1935 में आज ही के दिन जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून बनाया गया। इस कानून के तहत जर्मन यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया गया। उल्टे स्वस्तिक को नाजी जर्मनी का आधिकारिक प्रतीक घोषित कर दिया गया। जर्मनी की नाजी तानाशाही में यह महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसका अंत बड़े पैमाने पर यहूदी नरसंहार और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। इस युद्ध में 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद नाजीवाद जर्मनी की सरकारी विचारधारा बन गया और यहूदियों को बुरे हालातों का सामना करना पड़ा। आज ही के दिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की वायुसेना ने जर्मन वायुसेना को शिकस्त दी थी। इस हमले के दौरान ब्रितानी वायुसेना ने दावा किया कि उसने जर्मन वायुसेना के 176 जहाज मार गिराए हैं। साथ ही ब्रितानी वायुसेना ने यह भी कहा कि हमारे केवल 25 जंगी जहाज और 13 पायलट इस लड़ाई में गए थे। बाद के दिनों में यह साफ हुआ कि इस लड़ाई के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ने ही बढ़ा चढ़ा कर अपने दावे पेश किए हैं। 15 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के 60 लड़ाकू जहाज गिराए थे। ब्रिटेन के हाथों हुए नुकसान की वजह से जर्मनी ने ब्रिटेन में अपनी जमीनी सेनाओं को भेजने का इरादा छोड़ दिया था। कई दिनों तक चले इस युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के 2698 हवाई जहाजों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन यह संख्या 1294 थी। वहीं जर्मनी ने 3058 ब्रितानी जहाज गिराने का दावा किया था, जिनकी संख्या केवल 788 ही थी। 1959 में आज के दिन भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन का अंग्रेजी शब्द टेलीविजन लैटिन और यूनानी शब्दों से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है दूरदृष्टि। दूरदर्शन के नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई थी। 1972 में यह सेवा मुंबई और अमृतसर तक फैल गई और 1975 तक 7 और शहरों में यह सेवा शुरू हो गई। 1982 में रंगीन दूरदर्शन का जन जन से परिचय हुआ था। दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में 64 केंद्र, 24 क्षेत्रीय समाचार एकक, 126 दूरदर्शन रखरखाव केंद्र, 202 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 828 लो पावर ट्रांसमीटर, 351 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 18 ट्रांसपोंडर, 30 चैनल और डीटीएच सेवा शामिल है। दूरदर्शन प्रसार भारती के अंतर्गत चलाया जाता है। आज ही के दिन 2008 में अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लीमैन ब्रदर्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। अमेरिकी इतिहास में किसी कंपनी के दिवालिया होने की यह सबसे बड़ी घटना थी। लीमैन के दिवालिया होने की वजह वैश्विक मंदी थी। लीमैन, जो कि गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और मेरिल लिंच के बाद चौथा सबसे बड़ा बैंक था, लेकिन ग्राहकों के अचानक पलायन और जबरदस्त घाटे की वजह से बंद हो गया। दिवालिया होने के बाद कई वर्षों तक व्यापक जांच चलती रही। जांच में जांचकर्ताओं ने पाया कि इस बैंक के कर्मचारियों ने बैंक की वित्तीय हालत को अच्छा बताने के लिए बड़े पैमाने पर अपने खातों में हेर फेर की थी। समय के साथ कई दूसरे बैंकों ने लीमैन ब्रदर्स के व्यवसाय के अलग अलग टुकड़े खरीद लिए थे। और आज ही का दिन 15 सितंबर भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार की ओर से 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। 1861 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। मोक्षगुंडम जब केवल 32 वर्ष के थे, तब इन्होंने सिंधु नदी से सुक्कुर कस्बे को पानी की आपूर्ति का प्लान तैयार किया, जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए समिति बनाई। इसके लिए विश्वेश्वरैया ने एक नए ब्लॉक सिस्टम का इजाद किया। इन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए, जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करता था। इनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की थी। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया ने मूसा और ईसा नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान तैयार किए। इसके बाद इन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। भद्रावती इस्पात योजना और बेंगलुरु में हिंदुस्तान हवाई जहाज संयंत्र की स्थापना करने में भी इनका योगदान अहम है। इनके उपलब्धियों और योगदान की वजह से इन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। मोक्षगुंडम को 1955 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था।